हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, हम जा रहे हैं अपने प्री वेडिंग शूट के लिए। देखो, हमारा सारा सामान हो चुका है रेडी और अभी हम वेट कर रहे हैं टिनटिन का और महाराज जी कर रहे हैं। हेलो ही बोल दो। हेलो। इन्होंने देखो कौन सी टी शर्ट पहनी है, जदई। तो हम आपको मिलते हैं डायरेक्ट अभी लोकेशन पे। तो अभी हम कर रहे हैं गाड़ी का इंतज़ार। ओके गाइस, तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद। सो गाइज, हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट और आज का मौसम देखे से लग रहा है पक्का बारिश होने वाली है। कल तो इतनी भयंकर धूप थी बट आज देखो बारिश के ड्रामे हो गए स्टार्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट ऋषिकेश पे। सो यहाँ पर देखो कितना मस्त वाला मौसम हो रहा है, मतलब स्प्रिंग सीजन पूरा पतझड़ का मौसम है। पत्ते पत्ते हमारी कार से निकल के बाहर आ रहे, पर बहुत भयंकर वाला तूफान हो रहा है इसलिए हम बाहर तो फोटो पक्का क्लिक करवाते। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और मैं आपको यहाँ का मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हम, ये पीछे हमारे फाटोन है। भैया को तो दिखने दो, ये हमारे फोटोग्राफर भैया है पीछे। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और कोइंसिडेंस देखो हमारे साथ क्या हुआ। मेरी फ्रेंड का भी, क्योंकि उसे पता था कि मैं भी यही पहनने वाला हूँ और देखो उसने भी बिल्कुल वही गेटअप लिया है जो हमने लिया है। और ये देखो, ये है व्यू। मेरे को सबसे मेन ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये लोकेशन तो बहुत प्यारी है बट यहाँ पर लोग मतलब मॉर्निंग वॉक योगा वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर पोजेस कैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत ही शाई टाइप्स के बच्चे हैं, मतलब दोनों के दोनों। हम दोनों को तो वैसे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में बहुत शर्म आती है और यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा हम पब्लिकली कैसे आज अपने फ़ोटो शूट करवाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बने रहिए पूरे ब्लॉग। तो गाइज, वहाँ पे तो हमने अच्छे से फोटोशूट कर लिया, अब हम प्लाट लेंगे। और ये देखो हमारे फोटोग्राफर भैया यहाँ भी बिल्कुल भैया का कैमरा रेडी है, कुछ ऐसे पोजेस है जिसके लिए हमें प्लाट। सो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे जिसका नेम है फूलचाटी स्नान घाट। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब बहुत सुंदर व्यू है, तो देखने यहाँ पर बहुत मस्त मस्त फोटोज़ वगैरह क्लिक होंगी, वीडियोज़ वगैरह बनेंगी। तो फिर बने रहिए पूरे व्लॉग में और देखते क्या क्या मस्ती होती है पूरे दिन भर में। ओके गाइज, सो है गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, सेकंड लोकेशन के बाद बिल्कुल हालत नहीं हुई कि हम कुछ शूट करें वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा था कि दो फोटोग्राफर जाएंगे और एक फ़ोटो एक वीडियो, मतलब दो फोटोग्राफर जाएंगे दैट्स इट। बट जब वहाँ देखा था वहाँ मतलब नहीं भी तो पांच फोटोग्राफर थे, कोई ड्रोन वाले थे, कोई वीडियो बनाने वाले, कोई फ़ोटो बनाने वाले, मतलब वो तो पूरी फिल्म की शूटिंग करने आ रहे थे ऐसा लग रहा था। तो फिर उसका बिल्कुल हालत नहीं हुई क्योंकि तीन चार लोकेशन थी, वहाँ आना जाना ड्रेस चेंज करना, तो बहुत ज़्यादा थक अलग लग रही थी। फ़ोन तो मैंने फेंक ही रखा था बिल्कुल, फ़ोन के तो मुझे कोई सुधबुद्धि नहीं थी कि फ़ोन था किधर, ठीक है, तो इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाए। तो जितनी जल्दी हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आएंगी प्री वेडिंग की तो मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी वीडियो। और अभी बिल्कुल हालत नहीं हो रही है कुछ एक्स्ट्रा बोला जाए। सिंगल में आप देख सकते कैसे 12 बज चुके हैं। तो अगर आपको मेरी प्री वेडिंग की फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखनी है तो जो मेरे चैनल पर अभी न्यू है वो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम पे आपको शादी के व्लॉग, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मस्त मस्त वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए जल्दी जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो मिलते हैं अब डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में। तो जितने मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटोज़ क्लिक करी है तो मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो कॉमेंट करके ज़रूर बताने कि कौन से वाले ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ओके गाइस, बाय। And do like, comment, share and subscribe. Bye guys, good night.